नमस्कार, डू इट योर सेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे मुकुट करना सिखाऊंगी। आप इसे किसी को जन्मदिन के लिए दे सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं, या फिर राजकुमार और राजकुमारी के खेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ऐसे 6 कागज़ जो चौकोनी होने चाहिए, मेरे 9x9 के सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग रंग लिए हैं। ये मैंने एक ही पीले रंग में किया है, पर आप इसे अलग अलग रंग में भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से ये चौकोन मोड़ने हैं, फिर खोलिए। यह हो गया मध्य भाग उसका। फिर से इस तरीके से मोड़िए, तो ये हो गए 4 चौकोन। तो ये कोना लेकर आपको मध्य तक इस तरीके से इसको मोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा त्रिकोण। अब ये फिर से ये कोना लेकर आपको मध्य तक जोड़ देना है। तो ये हो गया मेरा छोटा त्रिकोण, ये 2 त्रिकोण, ये है छोटा त्रिकोण। और अगर मैं उसको इस तरीके से पकड़ूं तो ये घर जैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये है, ये नीचे की बाजू मुझे इस तरीके से मोड़ देनी है। और फिर से ये जो है ये भाग लेकर मैं इधर तक मोड़ दूंगी। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ यही चीज़। तो ये एक हो गया मेरा मोड़ के तैयार। फिर से दिखाती हूँ, इस तरीके से मोड़िए, खोलिए, फिर से दूसरी बाजू से मोड़िए, अच्छी तरीके से दबाइए और खोल लीजिए। अब ये कोना मध्य तक मोड़िए, उसके बाजू वाला कोना भी मध्य तक मोड़िए। अब ये जो नीचे वाला भाग है वो इधर तक आएगा और अच्छी तरीके से दबाइए, और फिर वही लेकर और एक बार ऊपर तक दबाइए। और मुझे ऐसे ही 4 बार करना है 4 कागज़ों के साथ। तो ये हो गए मेरे सारे कागज़ तैयार। अब इनको मुझे सिर्फ एक साथ जोड़ देना है। ये मैं कैसे जोड़ती हूँ ये देखिए। ये नारंगी में मैं नारंगी को पीले में डाल दूँगी, और ये डालना है पीले को। देखिए, ये देखिए, पीला ऊपर आएगा, बिल्कुल मध्य तक डालना है आपको। पीला नारंगी के ऊपर लगाया है मैंने, और नारंगी को मध्य तक मैंने ऊपर की बाजू से कर दिया है। वैसे ही हरे को भी देखिए, इधर ये खुली हुई बाजू जो है वो पीले में आपको घुसा देनी है, फिर से मध्य तक। जी हाँ, ये पीछे से ऐसा दिखेगा। और ये तीनों जो है इसको मैं थोड़ा सा मोड़ देती हूँ ताकि ये ज़्यादा खुले ना और अच्छी तरीके से एक के साथ एक एक के एक के ऊपर एक रहे। और अब मैं नीला लूँगी। ये देखिए, ये नीले का जो खुला हुआ भाग है वो हरे हरे के ऊपर आएगा, फिर से मध्य तक। फिर से एक बार थोड़ा दबा दिया मैंने, और अब अगला गुलाबी रंग का भी जो खुला हुआ भाग है वो नीले में डाल दिया मैंने मध्य तक। फिर से जैसे मैं अभी तक आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे करना है। हर एक बार आपको थोड़ा मोड़ कर थोड़ा गोल भी आपको मोड़ देना है ताकि धीरे धीरे मुकुट का आकार हो सके। अब लाल रंग रह गया है, लाल का खुला हुआ मुँह, फिर से खुली हुई बाजू। जी, इस तरीके से गुलाबी रंग में
मध्य तक डाल देना है इसको। और ये अब धीरे धीरे आप मोड़िए। तो पहले ही आपने जो अच्छे तरीके से इसीलिए दबाई है ताकि वो आकार जो है वो आराम से आ सके और खुद ही मोड़ने के बाद आ सके। तो अब ये लाल में नारंगी में डाल रही हूँ, नारंगी रंग में। देखिए फिर से मध्य तक डालना है आपको। जी हाँ, तो इस तरीके से आप डाल देंगे और ये जोड़ देंगे तो ये हो गया। थोड़ा सा अच्छी तरीके से दबाइए और ये हो गया आपका मुकुट तैयार। तो ये मैंने अलग अलग रंग में किया है, आप जैसे चाहिए वैसे उस तरीके से रंग ले सकते हैं। ये देखिए, ये गोल घुमा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए उसके अलग अलग रंग मुकुट के। तो ये सतरंगी मुकुट है और ये मेरा पीला रंग का मुकुट पहले ही। तो मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, कमेंट्स में लिखिए आपको ये तरकीब कैसे लगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये तरकीब अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही तरकीबों के साथ हम आते रहेंगे। अगला वीडियो देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।